हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं जस मानक टाइप सॉन्ग। तो आपने अगर वो सॉन्ग नहीं सुना जो मैंने डाला है, अपलोड किया है, ओनली वो एक म्यूज़िक है, मतलब कि वैसा म्यूज़िक हम कैसे बनाएं जस मानक टाइप का। ओह सॉरी, माइक के हाथ लग गया। तो वैसा करने के लिए हमने, अगर आप मेरा गाना सुन लो कैसा लगता है स्टार्टिंग से। आपको लग गया होगा पता क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। तो हम पहले हम सुनेंगे स्टार्टिंग से पार्ट। तो स्टार्टिंग के पार्ट में मैंने सिंगल सिंगल कुछ चीज़ सुनते हैं। इसमें एक वोकल चॉप है जो मैंने बना के उसको वे फाइल में कन्वर्ट किया। इसके अंदर मैंने फ्री फास्ट फिल्टर लगाया है, उससे मैंने थोड़ा सा इसको, मतलब कि एक तो इसकी एक अंडर वाटर से एक तो जो भार आती है आवाज़, उसको मैं कन्वर्ट किया है। उसके बाद मैंने इसको दिया है गिटार का एक कॉर्ड, मैंने परकशन दिया है इसमें, गिटार के कॉर्ड दिए इसके अंदर। ये सुनो, जो इस मेन का मेन पार्ट है, इस गाने का मेन पार्ट है, सुनो। ओके, उसके बाद मैंने इसमें डाला स्नैप। तो इसके जो आगे पार्ट में जहाँ पियानो आता है, तो वहाँ सुनो आप, ये पियानो है। ओके, तो इसके नीचे मैंने इस प्रकर्शन में क्या किया है, सुन के देखो। ओके, तो कट्ठा सुनते हैं इसको हम। आगे हमने करना क्या है, आगे सुनो देखो आप। मैंने इसमें जो इसका जो एकदम ड्रॉप के लिए मैंने इसमें दिया है अपना, सबसे पहले मैंने दिया है सिल्वर बॉय, ये मेरा टैग है, ये मेरी खुद की वॉइस है सिल्वर बॉय बोलते हुए, कि मैंने इसे पिच डाउन किया हुआ है। उसके बाद मैंने ये राइट एक वो लिया है कि क्या बोलते हैं इसे, क्रैश, क्रैश को मैंने रिवर्स किया है, ये देखो, इसको रिवर्स करके। ओके, बाद में मैंने एक रोल दिया है अपने स्नेर का, ये जो स्नेयर का रोल है ये सेम गाना जस मानक के प्राडा सॉन्ग के अंदर है। उसके बाद मैंने एक स्टॉप दिया है यहाँ पे, और इसमें एक मैंने स्नैप का दिया है। ओके, सुन के देखो। एक और मैंने, हाँ एक चीज़ रखी है, ये देखो राइजर आई है हमारा, ठीक है जी। अब सुनते हैं इसे। अब आते हैं हम इसके ड्रॉप पार्ट के ऊपर। ड्रॉप पार्ट में मैंने सबसे ऊपर पहले रखा है हमने एक प्लक टाइप। ओके, साउंड गुड। उसके बाद मैंने रखे हैं पैड। उसके बाद जो हमारा पियानो है, और एक जो उसकी जान जो बना रहा है वो देखो, ये लीड सी है, गिटार रिकॉर्ड्स, उसके बाद स्नेयर और हैट साथ में एकदम। जो स्नेयर है जो हमने यूज की है वो ये स्नेयर है, और जो ये स्नेयर है ये तेरा मेरा विवाह जो सॉन्ग है जस मानक का, मैंने उसमें से चखी है स्नेयर, उसकी स्नेयर में ये स्नेयर थी। उसके बाद आते हैं हमारी किक के ऊपर, ये हमारी किक है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है 808। अब 808 कैसे होता है, मैं इसका इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 808 को हम कैसे इसको ग्लाइड करना है, कैसे इसको पिच में लेके आना है। तो 808 देखो, और ये क्रैश है, तो हम इस सारी चीज़ को इकट्ठा सुनते हैं तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। अब आते हैं हम इसके म्यूज़िक के पार्ट की तरफ, जो हम चार बार का जो हम म्यूज़िक देते हैं, तो उसमें मैंने यूज़ किया है, इसमें ही सेम वही चीज़ ड्रॉप यूज़ की है मैंने।
तो यहाँ पे मैंने गिटार की लीड ली है। एक्चुअली ये मैंने बजा रखी है गिटार की लीड, मेरे पास गिटार है तो उसमें मैंने बजा के इसको काफ़ी ट्यून डाउन किया और मैंने इसको ऐसा बनाया। ऊपर मैंने यूज़ किया एक वोकल चॉप। ओके, बीच में मैंने वोकल के फिलर्स, ठीक है, अब इसको इकट्ठा सुनते हैं एक साथ। उसके बाद मैंने यूज़ किया है कॉर्ड, मैंने चेंज कर दिए इसके वर्ड्स में, जिसका पहला अंतर अस्थाई है, जिसका वो अस्थाई में मैंने चेंज कर दिया इसका, अंतरे के अंदर अस्थाई के अंदर जो मर्जी लगा लो आप। तो इसको मैं मेजर में ले गया, माइनर में ले गया। अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी नहीं पता तो आपको शायद मुश्किल होगी। तो ये मैंने डी शार्प से मैंने इसे ले गया हूँ, मैं इसे डी शार्प के बाद क्या कौन सा आता है, शायद एफ आता है, शायद एफ शार्प, तो एफ शार्प मेजर में ले गया हूँ मैं इसे। क्योंकि सेम ऐसा चीज़ पराडा सॉन्ग में होती है, पर ये ऐसा पता ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि सॉन्ग काफ़ी मिलते जुलते होते हैं पर पता ही नहीं लगता, क्योंकि जब हम इसकी ट्यून टैन चेंज कर देते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है, पर हो तो सेम सेम सही है, बाकी वही ड्रॉप है। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि हम जो ये चीज़ है स्लो, जो हमारी हमारी जो 8-8 है इसको सोलो सुनते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं, सुन ले एक बारी। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं इसको, ग्लाइड कैसे करते हैं, जो ये चीज़ है इसे बोलते हैं ग्लाइड, जो आपको दिख रहा है ये भी बताऊंगा कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। पर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ जो बनाते हैं म्यूज़िक और जैसे सीखना चाहते हैं, या जिनको पता नहीं है कि म्यूज़िक कैसे बनता है उनको दिखा देना कि भाई म्यूज़िक ऐसे बनता है। आगे जो सेकंड पार्ट है जिसमें म्यूज़िक दिया है मैंने, तो ये एक प्लक है, इसको प्लक को मैंने बस खुद ही बजाया है अपने कीबोर्ड के ऊपर, फिर मैंने इसको मीडी में कन्वर्ट किया, चलो मीनी मेरा होता ही है कन्वर्ट, तो मीनी मैंने रिकॉर्ड किया, तो बाकी सर सेम ही है। तो आपको लग गया होगा पता कि कैसे बना सकते हैं हम जस्ट मानक टाइप सॉन्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ यूज़फुल लगी, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करो यार, काफ़ी टाइम हो गया कुछ आ नहीं रहा है, तो अब से मैं वीडियो रेगुलर डाल रहा हूँ, हफ्ते में 2 ट्यूटोरियल और हफ्ते में 2 बी टाइप वीडियो। तो ऐसी इस वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, थैंक यू सो मच।